हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ट्यूब चैनल यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स यानी कि UHVP। एक ऐसा कोर्स जो कि सभी कोर्सेज में पढ़ाया जाता है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि फाइव बेसिक गाइडलाइंस फॉर वैल्यू एजुकेशन, कौन सी वो बेसिक गाइडलाइंस है वैल्यू एजुकेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है यूनिवर्सल। सबसे पहला जो बेसिक गाइडलाइन है वैल्यू एजुकेशन के लिए वो दैट इज़ यूनिवर्सल, यानी कि यूनिवर्सल मीन समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू और एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि हमारे लिए, आपके लिए, सभी के लिए जो एप्लीकेबल हो और हर समय एप्लीकेबल हो, वो चीज़ क्या कहलाती है? यूनिवर्सल। द कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन हैज़ टू बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बीइंग, यानी कि जो वैल्यू एजुकेशन में होता है वो सारी चीज़ें सभी ह्यूमन बीइंग्स के लिए एप्लीकेबल हो चाहिए। दूसरी चीज़, शुड बी ट्रू एट ऑल टाइम एंड ऑल प्लेसेज, यानी सभी समय और सभी जगह पर वो ट्रू होना चाहिए, तभी वो यूनिवर्सल कहलाएगा। इट्स शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट टू अ सर्टेन सेक्टर, जेंडर और नेशनैलिटी, यानी कि ये किसी भी रेस्ट्रिक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन उस पर लग गया तो वो यूनिवर्सल नहीं होगा कि नहीं ये सिर्फ इस सेक्टर के लिए अप्लीकेबल है, या फिर ये सिर्फ मेल जेंडर के लिए अप्लीकेबल है, या फिर सिर्फ इंडियंस के लिए अप्लीकेबल है, तो वो फिर यूनिवर्सल नहीं होगा। यूनिवर्सल मीन्स जो सभी ह्यूमन बींग्स के लिए और सभी जगह, सभी प्लेस पे, सभी टाइम पे एप्लीकेबल है, तो ही वो यूनिवर्सल कहलाएगा। जैसे कि ऑल ह्यूमन बींग्स नीड्स ऑक्सीजन टू ब्रीथ, ये एप्लीकेबल सभी जगह, आप कहीं पे भी हो, आपको सभी ह्यूमन बींग्स को ऑक्सीजन ब्रीथ के लिए चाहिए होता है, तो दैट इज़ यूनिवर्सल। इसी के से दूसरा, पहला हो गया यूनिवर्सल बेसिक गाइडलाइंस में, दूसरा है बेसिक गाइडलाइंस रेशनल, यानी कि जो वैल्यू एजुकेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए। रेशनल मीन्स समथिंग बेस्ड ऑन लॉजिक और रीजन, यानी कि तुक्का मार दिया नहीं, आपका जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो भी चीज़ आप सोच कर रहे हैं, वो लॉजिकल और रीजनेबल होना चाहिए। वैल्यू एजुकेशन हैज़ टू बी अमेनेबल टू रीजनिंग एंड नॉट बेस्ड ऑन डॉगमास और ब्लाइंड बिलीफ, यानी कि अमेनेबल की मतलब क्या हुआ कि ओपन रिस्पॉन्सिव टू सजेशन, यानी कि मैंने जो कह दिया वही लकीर है, नहीं, हमने जो भी कहा है वो ओपन होना चाहिए और रिस्पॉन्सिव होना चाहिए सजेशंस के लिए। दूसरा है डॉगमास, यहाँ पे आप देख रहे हो, तो प्रिंसिपल सेट बाय अथॉरिटी, यानी कि किसी अथॉरिटी ने प्रिंसिपल सेट कर दिया, उसी को फॉलो कर रहे हो, चाहे वो गलत हो चाहे सही, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो रेशनल होना चाहिए। तो वैल्यू एजुकेशन कैन नॉट बी सेट ऑफ सरमोंस और डूज और डोंट्स, यानी कि ये एक टॉक या रिलीजियस या मोरल सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए वैल्यू एजुकेशन, ये डूज या डोंट्स नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? लॉजिकल होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, 1+1=2 होता है, इसके पीछे एक लॉजिक है, एक रीजन है, नॉट कि 11 कि किसी ने कह दिया कि 1+1=11, नहीं, तो ये गलत है, रीजनेबल नहीं है। तो वैल्यू एजुकेशन कैसा होना चाहिए? लॉजिक या रीजनेबल होना चाहिए। नेक्स्ट जो बेसिक गाइडलाइन है दैट इज नेचुरल एंड वेरीफेबल, यानी कि वैल्यू एजुकेशन कैसे नेचुरल और वेरीफेबल होना चाहिए। नेचुरल मीन्स एग्जिस्टिंग और डिराइव फ्रॉम नेचर, नॉट मेड, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि नेचर से डिराइव की गई है, ना कि उसको बनाया गया है, वो नेचुरल कहलाता है। नेचुरल मीन्स एक्सेप्टेबल इन नेचुरल मैनर टू ऑल ह्यूमन बींग्स, इट विल लीड्स टू फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस। दूसरा है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि समझ लीजिए कि कोल्ड इन विंटर सीजन, हॉट इन समर सीजन इज़ नेचुरल, यानी कि ठंडी में ठंडे लग रहा है, गर्मी में गर्मी लग रही है, दैट इज़ नेचुरल। लेकिन वहीं पे ठंडी में आप एसी या फ्रिज चला लेते हैं, मतलब कि गर्मी में आप एसी या फ्रिज चला लेते हैं, उससे जो ठंडक मिलती है दैट इज़ नॉट नेचुरल। इसी तरह से विंटर में हीटर से जो आप हॉट पाते हैं, गर्मी पाते हैं, दैट इज़ नॉट नेचुरल, दैट इज़ मेड, तो वो नेचुरल नहीं है। इसी से वेरीफेबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन बी चेक्ड एंड वेरीफाइड, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि चेक किया जा सके, वेरीफाई किया जा सके, दैट इज़ वेरीफेबल। तो कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन शुड बी वेरीफेबल, यानी कि जो भी चीज़ बोली जा रही है, कही जा रही है, वो ऐसी होनी चाहिए जिसको वेरीफाई किया जा सके और नेचुरली हो। Do not assume something because it is stated or written in book, rather verify whether they are true or for us, यानी कि कोई भी चीज़ लिखी हुई है या कहीं ऐसे आपने सुना है तो उसको आप मान मत लीजिए, आपको उसको पहले वेरीफाई करना चाहिए, उसके बाद ही उस पर विश्वास करना चाहिए। तो जो वैल्यू एजुकेशन होना चाहिए वो भी ऐसा होना चाहिए कि नेचुरल होना चाहिए और वेरीफेबल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसको वेरीफाई किया जा सके। नेक्स्ट है ऑल इनकम्पेसिंग, यानी कि वैल्यू एजुकेशन क्या है, सभी को इंक्लूड करना चाहिए। ऑल इनकम्पेसिंग मीन्स इंक्लूडिंग और कवरिंग एवरीथिंग एंड एवरीवन, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी सेक्टर, जैसे हमने पहले बोला था यूनिवर्सल, कि किसी सेक्टर के लिए या नेशनलिटी के लिए एप्लीकेबल है, नहीं, उसमें सभी कुछ, सब कुछ जो है कवर होना चाहिए। वैल्यू एजुकेशन इज एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग और कॉन्शियसनेस एंड लिविंग, वैल्यू एजुकेशन का जो मेन एम होता है वो कॉन्शियसनेस और लिविंग के लिए फोकस करता है। हिंस इट हैज़ टू परमिएट इनटू ऑल डायमेंशन ऑफ आवर लिविंग, यानी कि हमारे सभी डायमेंशन पे इसका इंक्लूड करना चाहिए, चाहे वो थॉट हो हमारा, चाहे हमारा बिहेवियर हो, या फिर हमारा वर्क हो, या फिर हमारी समझ हो या रियलाइजेशन हो। इसी तरह से अगर हम लेवल की बात करें तो इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, और सोसाइटी लेवल पे, और नेचर के लेवल पे भी इसको इंक्लूड करना चाहिए। कि वैल्यू एजुकेशन में अगर हम बात करें तो हम थॉट, बिहेवियर, वर्क, अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे, और वहीं पर इंडिविजुअल, फैमिली और सोसाइटी और नेचर के लेवल पर भी बात करेंगे। नेक्स्ट जो लास्ट गाइडलाइन है वैल्यू एजुकेशन के लिए, दैट इज़ लीडिंग टू हारमोनी, यानी कि वैल्यू एजुकेशन कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो कि हारमोनी को लीड करे। हारमोनी मीन समथिंग दैट गो वेल टुगेदर, यानी कि ऐसा कुछ जब दो लोगों के बीच में सब कुछ अच्छा चलता है, तो वो टाइम क्या कहलाता है, वो सिचुएशन क्या कहलाती है, हारमोनी।
फॉर एग्जाम्पल वैन यू डोंट गेट एंग्री विथ योर सेल्फ और यू डिड नॉट फाइट विथ योर पेरेंट्स सिबलिंग्स और फ्रेंड देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड हारमोनियस रिलेशन, यानी कि आप अपने आप से गुस्सा नहीं होते हैं, अपने आप पे खफा नहीं होते हैं, या फिर आप अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से गुस्सा नहीं होते, लड़ाई नहीं करते, तो उस टाइप के रिलेशन को क्या कहते हैं, हारमोनियस रिलेशनशिप। तो जो वैल्यू एजुकेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, हारमोनियस होना चाहिए। सो द मेन एम ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज टू इनेबल अस टू बी इन हारमोनी विद इन एंड इन हारमोनी विथ अदर एंड इन हारमोनी विथ रेस्ट ऑफ अदर। तो अगर हम कंक्लूड करें तो जो बेसिक गाइडलाइंस हैं वो क्या हैं, वैल्यू एजुकेशन यूनिवर्सल होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, नेचुरल वेरीफेबल होना चाहिए, ऑल इनकम्पेसिंग यानी सब कुछ इंक्लूड करना चाहिए, और लीडिंग टू हारमोनी ऐसा होना चाहिए जो कि हारमोनी को लीड करे, सभी रिलेशनशिप के बीच में हारमोनियस रहे, यानी कि अच्छा चले, कोई भी फाइटिंग या कोई भी डिसएग्रीमेंट ना हो। तो ये फाइव बेसिक गाइडलाइंस है वैल्यू एजुकेशन की। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।